हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मैनकाइंड के एप्टिमस सिरप के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिकेयर में। तो एप्टिमस सिरप तीन दवाओं साइप्रोहेप्टाडिन, ट्राइकोलाइन साइट्रेट और सोर्बिटॉल से मिलकर बना है, जो भूख बढ़ाता है। इसके जो उपयोग हैं, किन किन चीज़ों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपको भूख ना लगे तो उस स्थिति में आप इसे ले सकते हैं, कब्ज की समस्या आपको है तो भी आप इसे ले सकते हैं। एप्टिमस सिरप एक एंटीहिस्टामाइन है, जिसका उपयोग भूख उत्तेजक के रूप में किया जाता है। यह मौसमी एलर्जी, भोजन या रक्त के कारण होने वाली एलर्जी के लक्षणों जैसे गीली आँखों, छींकने, नाक बहने या आँखों या नाक की खुजली में भी राहत देता है। यह सेरोटोनिन और हिस्टामाइन जैसे प्राकृतिक पदार्थों को अवरुद्ध करके काम करता है, जो आपके शरीर में एलर्जी की प्रतिक्रिया के दौरान बनाता है। यह हल्के सीधी पित्ती का भी इलाज करता है। इस दवा के साथ उपचार के दौरान आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में भी उम्मीदापन, कब्ज, चक्कर आना, धुंधली दृष्टि, नाक या गले में कुछ अनुभव हो सकता है आपको, और कुछ लोग गंभीर दुष्प्रभावों का भी अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि मूड में बदलाव, झटकों, दौरे, अनियमित दिल की धड़कन। तो इस दवा के लिए बहुत गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया शायद ही कभी देखी जाती है। यह दवा उन लोगों के लिए निर्धारित नहीं है जिनके पास एलर्जी की प्रतिक्रिया है। यदि आपने पिछले 14 दिनों के भीतर मोनोमाइन ऑक्सीडेट इनहेलियर लिया है तो यह दवा ना लें। इस उपचार के दौरान अपने चिकित्सक को अपनी चिकित्सकीय स्थितियों और अन्य दवाओं के बारे में जानकारी दें। इसके आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नींद आना, इससे आपको सुस्ती हो सकती है, धुंधली दृष्टि, ये सब कुछ दुष्प्रभाव हैं। इसके ज़्यादा दुष्प्रभाव हैं कि आपको नींद ज़्यादा आएगी, आप एक टीस्पून से ज़्यादा इसको ना लें क्योंकि इससे नींद बहुत ज़्यादा आती है, विशेषकर आप इसे सोते टाइम लें, खाना खाने के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पास है ये 200 ml का, जिसकी प्राइस है 121, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थे इसके फ़ायदे, यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल मेडिकेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ज़रूरी वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।